फिर पाकिस्तान टीम की कप्तानी के लिए बाबर का नाम आना शुरू हो जाएगा, फिर से वो जो हम सोशल मीडिया पे बहस देखते हैं वो शुरू हो जाएगी। बट बाबर हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव, एज यू सेड, कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं है बाबर के पास, इट कुड बी द वन, पीएसएल हो सकता है। तो बतूल, कोई आपको पसंद आई टीम पीएसएल में? सभी अच्छी हैं, सभी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो सियासी बयान। Yeah, I've not even seen even a single match, no idea. अच्छा, क्रिकेट में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फ्रैंकली जामी माजी में जो प्लेयर नहीं नहीं बिल्कुल था जामी, मुझे याद है क्रिकेट में इंटरेस्ट था हमारा पूरा, टीनेज बड़े एक्साइटेड होते थे हम, लेकिन एक मैच था उसमें जो एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने हैट्रिक किया था और एक फाइनल्स था, सेमी फाइनल्स और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं पहुंच सका था, और उस वक्त मैं क्लास 9th में थी। अब यकीन करें कि हमने अपनी पढ़ाई, यानी आप खासी कदीम हैं, आप ये कह रही हैं। हाँ, व्हाटएवर, लेकिन कोई बोर्ड के एग्जाम से मैं खाता 9th के होते होंगे। अच्छा, नहीं नहीं, आप अर्ली की बात कर रही हैं, लेट 90s की बात। वो क्रिकेट पे सही जवाब देना जरूरी है, अब कदीम होने की बात है, वो भी कॉम्प्लीमेंट फॉर योर क्रिकेटिंग मेमोरी। हाँ, लेकिन जामी एक्चुअली हम लोग बड़ा वो दुआ करना और जी बैठ जाए पाकिस्तान जीत जाए, तो मेरी बड़ी बुरी मेमोरी क्रिकेट को लेके। आपको फास्ट बॉलर पसंद थे या बैटर्स पसंद थे? या ऑब्वियसली बैटर्स आप ज्यादा इंस्पायर करते थे, जब हम अपने टाइम की बात करें, जब हम देख रहे होते थे क्रिकेट को एज अ चार्म। लेकिन ये कि उस जब पाकिस्तान वो मैच हारा तो फ्रैंकली आई स्टॉप फॉलोइंग। लेकिन फिर भी बतूल, आप ये तो माने ना, दिस इज द ओनली गेम जो इस नेशन को जोड़ती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बड़ा दुख होता है कि वो जो फिर वो जो एक एंथुजियाज्म है और वो जो एक तैयारी होनी चाहिए उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते। लीजिए अपडेट सुन लें, इसामबा यूनाइटेड चेज अप 185, दे आर 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन 3.5 ओवर्स। मार्टिन गप्टिल स्टिल ऑन द क्रीज बट आउट हो चुके हैं, एलेक्स हेल्स, आगा सलमान और शादाब खान भी, बस शादाब जीरो पे आउट हुए हैं, गेम ओवर पर शादाब जीरो पे आउट हुए हैं। मेहरान मुमताज ने बोल्ड किया है, आगा सलमान को साइम अयूब ने बोल्ड किया। अच्छा, साइम की मुझे मंच कमाल की फाइंड है कि अर्ली ओवर्स में आते हैं, एक खास किस्म का उनका एक्शन है, बाहर भी गेंद निकालते हैं, अंदर भी लेके आते हैं, हल्की सी कैरम का टच भी देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, कैरम बॉल करते हैं और पूरे पीएसएल में बाबर इनको लेके आए हैं, पहले ओवर में या दो ओवर इनसे ऊपर के करवाते थे, फिर इनको मैच में अक्सर हुआ है कि पूरे 4 ओवर्स नहीं मिले। तो इनका काम होता है कि पावर प्ले में ऊपर के ओवर्स में विकेट लेके देना, जो कि बड़ा सक्सेसफुली कर रहे हैं। पिछले मैच में, एक लास्ट 2-3 मैच पहले, इसने मिडिल में भी ओवर क्वेटा की ली थे, 60 पे 2 आउट थे, इसने आके 4 आउट कर दिए, मैच सीधा कर दिया। तो बैटिंग में तो अच्छा खेल ही रहा है, लेकिन जो बॉलिंग इतनी अच्छी कर रहा है उससे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। आई थिंक साइम इज द फाइंड एंड देन दैट गाय उस्मान खान, उस्मान जिसे सेंचुरी भी मारी, उस्मान का बैक टू बैक सेंचुरी। मेरा ख्याल है ये दो खिलाड़ी जो है ना, ये इस पीएसएल में बहुत उभर के सामने आए, आना चाहिए इन दोनों को आगे। साइम तो चले इतना नया नहीं है इंटरनेशनल सर्किट में, उस्मान भी खैर इतना नया नहीं है, मगर इन दोनों को पाकिस्तान की तरफ से मैं अगर पीएसएल में देखता हूँ कोई दो लड़के, भाई वो समराना आपको यहाँ से निकाल देंगे, मुझे उनसे बात करने दोगे या नहीं? समराना आपकी पेशन गोई क्या है, फाइनल में कौन जा रहा है और जीतेगा कौन? तब मुझे मैं लास्ट टाइम भी जब आई थी तो मैंने यही बोला था कि 5 नंबर्स न्यूमरोलॉजी में कहते पावर का नंबर कंसीडर किया जाता है, और आप अगर देखेंगे तो पेशावर भी 5 नंबर पे था, और उसके बाद जो है मैंने पहले ही ये कहा था कि पेशावर जो है मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन से विनिंग पोजीशन में नजर आता है। ट्रॉफी उठाती है आपको पेशावर नजर आ रही है या, और दूसरा बाबर साहब या मुल्तान सुल्तान? जी मुझे पेशावर ज्यादा जो है विनिंग पोजीशन, बट दोनों 5-5 पे है तो बहुत टफ कंपटीशन होगा, लेकिन जो बाबर आजम साहब के जो इस वक्त सितारे हैं ना वो उनको बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे होते ना कि कोई मिट्टी में हाथ डालेगा तो इस टाइम पे सोना बन जाएगा, तो बाबर साहब जो है इस टाइम उस पोजीशन में है। तो मैंने लास्ट टाइम भी यही बोला था कि मुझे जो पेशावर है वो बड़ी विनिंग पोजीशन में नजर आएगा, बट ये एक बहुत टफ कंपटीशन होगा। अजय, मुझे कल की बात याद आ गई, सोना बनाए नहीं, मुझे कल की बात याद आ गई, कल वाली 1920 का फर्क है। जावे, मैंने कल एक लतीफा सुनाया कि किसी ने पुराने दौर में इनके टीम मेट थे, किसी ने पूछा भी दो What the difference between the two fast bowlers? What the difference between two fast bowlers? उसने कहा 1920, यानी 19-20 का फर्क। Just 1920, 19-20 का फर्क। अच्छा जी, let's start our game show. आज हम शुरू कर रहे हैं ये कौन है कायनात, आज हम गेस करेंगे कि ये कौन है। हम हल्की सी तस्वीर दिखाएंगे आपको, थोड़े से नए नक्श उनके यहाँ पे आएंगे उस शख्सियत के जो कि ऑब्वियसली क्रिकेटर होगा। तो आज बतूल से हम शुरू करेंगे कि वो पहचानती है नहीं पहचानती,
लेट्स सी जी ये कौन है, मैं पहली शख्सियत कौन है महान जिनको हम गेस करने जा रहे हैं, ये कौन है? ये देखिए ऑप्शंस, क्या खूबसूरत आंखें हैं और खिलाड़ी का ताल्लुक ऑब्वियसली एशिया से, साउथ एशिया से लग रहा है, पाकिस्तानी प्लेयर हैं या इंडियन है? पता लग गया मुझे कौन है, मुझे भी पता लग गया, मेरा भी जी कायनात बता दिया, ये आज के मैच में खेल रहे हैं, ये आज के मैच में खेल रहे हैं, हां जी, ये कौन है? देखा ये है, लेग स्पिन करते हैं, लेग स्पिन करते हैं, ये कौन है? इज इट इस्लामाबाद में खेलते हैं, शादाब खान की तरफ आपके इशारे, शादाब लग रहा है मुझे, शादाब लग रहा है, नहीं नहीं शादाब नहीं है, शादाब नहीं है, मैं शादाब तो नहीं लग रहा, शादाब नहीं लग रहा ना जी, मुझे तो वही लग रहा है जी, सिमराना एनी आईडिया? मैं तो अभी एक ले चुकी हूँ मशवरा, अच्छा मैं दोबारा बताता हूँ, इनका हिंट जो है ना वो 50% इसलिए ठीक है कि ये यानी लेग ब्रेकर है, ठीक है, लेकिन शादाब नहीं है, बाबर बतूल, आपको ये कौन से सियासतदान लग रहे हैं? बाबर तो पॉलिटिशियन, मुराद सही नहीं लग रहे, यंगर नहीं या वो तो फेयर है, हाँ सही तो फेयर, बुरा सही नहीं लग रहा आप, लेग ब्रेक पक्की बात है, बाबर नहीं है, पक्की बात है, रूपोश होने के बाद अगर वो सामने हो गए तो और बात, अच्छा है पाकिस्तान, एनी आईडिया उसामा मंच, बाबर आजम की आंखें लग रही हैं, अच्छा बाबर आजम की आंखें लग, अच्छा ये मैंने आपको पहले कहा है भाई कि ये एक इनका जो हिंट था वो ठीक था, लेग ब्रेक बॉलर है, पता नहीं क्यों लेग ब्रेक है, बट ही इज नॉट शादाब, आई एम टेलिंग यू He's not Shadab. Leg break और leg break bowler है, Asian है, चलें पाकिस्तानी नहीं विराट, लेकिन पाकिस्तानी अगर नहीं है तो पाकिस्तान को he owes a lot to Pakistan. He owes a lot to Pakistan. ये कोई Indian player है? अच्छा ये Indian. इमरान ताहिर. इमरान ताहिर. इमरान ताहिर. No, absolutely wrong. Leg breaker है पाकिस्तान. देखिए जवाब क्या है, आप पहचान जाएंगे. मैंने कहा he owes a lot to Pakistan. He's a leg breaker. राशिद खान, राशिद खान, देखिए इतने दो बड़े कीमती हिंट आपको दिए उसामा मंच, हाँ जी नहीं क्लोज आ गया था मैं, लेकिन राशिद खान तक नहीं गया मुझे लगा था नहीं, ये एक बात थी आप शादाब पे पहुंची लेग ब्रेक बॉलर, लेकिन ही इज नॉट, ये राशिद खान है, ग्रेट अफगान प्लेयर, क्या क्लास है जी इस बंदे की, मतलब ये शुड बी इन पाकिस्तान, लर्न एवरीथिंग राइट, देन फिर इसके बाद कुछ चीजें मुझे इनसे मतलब गिला है, बिल्कुल है वो, इसलिए है कि इन्होंने सारा कुछ यहाँ से सीखा, ये सीखा करने के बाद, और दे वर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान किस तरीके से, आई वोंट फॉरगेट देम, ये मुनासिब अमल नहीं है, आठ दिन हुए क्रिकेट खेली नहीं है, तुम सारा कुछ तुमने पाकिस्तान से लिया, हर चीज लिया, क्रिकेट में आप शट अपना मुंह भी तो बंद रखो ना, इतने बड़े प्लेयर कहाँ से आ गए, कितने बड़े प्लेयर हैं, एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया, कौन सा तीर मांगा, कोई तीर नहीं माना, और ऊपर से लेके पाकिस्तान को वो बकवास करते हैं ये लोग, एग्री एग्री 100% एग्री, आपने इतनी मेहमान नवाजी की है, इतनी मोहब्बतें बांटी हैं, ठीक है रियासतों के बीच गलत फहमी, नेबर हैं हम, नेक्स्ट टू हैं राइट, बहुत कुछ मतलब इनको हासिल हो सकता है, क्रिकेटर और भी आते हैं इनके, तकरीबन सभी खिलाड़ी यहाँ से ट्रेंड हैं, ऑलमोस्ट सारे ये इधर पेशावर में खेलते रहे हैं सारे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान की खेली हुई है सारी, ठीक है एग्जैक्ट, चलिए जावेद भाई ने बड़ा उम्दा पॉइंट दिया, एग्री सर, नहीं बात लोग कहते हैं नमक हराम वाली बातें करते हैं, क्योंकि नमक सारा कुछ करने के बाद पाकिस्तान में तो लेके आए इनको इस क्रिकेट में, बहुत सपोर्ट किया, ट्रू, अगली शख्सियत देख लें, देखें बिल्कुल देखें, दिखाएं जी अगली शख्सियत, ये ये कौन है भाई, ये कौन है, अगला बंदा दिखाएं, ये कौन है, ये कौन है, ओ ओ ये क्या है भाई, ये क्या इरादे से ये दिखा रहे हैं, ये भाई बस नाक ही नाक है, कॉमेडियन नहीं शायद, ये तो कॉमेडियन है कोई, ये आपको इफ्तिखार ठाकुर नहीं लग रहे, वही लग रहे, मैं तो कहने लगा था वही है, ये इफ्तिखार ठाकुर नहीं लग रहे आपको, बतूल मेरा ये वही है, वही हो सकता है, इफ्तिखार ठाकुर, समराना जी, यस क्या इफ्तिखार ठाकुर लग रहे हैं, हां जी वही इतना लग रहा है, कोई अपना लग रहा है, जावेद भाई कह रहे हैं कि भाई ये तो घुटना लग रहा है, जावेद भाई की सेंस ऑफ ह्यूमर इज एब्सोल्युटली आउट, ये कितने पुराने क्रिकेटर थे मुझे नहीं पता, हड्डी वाले भाई, ये सर नाक ही नाक आया और खासा माशाल्लाह खासा नाक है, इसका मतलब नाक की वजह से पहचाने जाते हैं, और भाई को हिंट तो दें, कॉमेडियन होंगे ये, क्रिकेटर हैं कॉमेडियन, ये भाई स्टेज
ये बादशाह है, ये स्टेज के बादशाह है और बतूर राजपूत के बड़े फेवरेट कॉमेडियन है। बिल्कुल, मेरे ख्याल सबके हैं, सबके हैं। सो हाउस का कंसेंसस है कि या ये घुटना है या या ठाकुर है, लेट्स सी हु इज ही।